नमस्कार दोस्तों, मैं एक आप लोगों के साथ। तो दोस्तों आप लोग कैसे हो? आई थिंक दोस्तों आप लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में दोस्तों बताने वाला हूँ कि कैसे आप ये बोया फ्री फायर वाला एप्लीकेशन कैसे डिलीट कर पाओगे, कैसे अनलिंक कर पाओगे दोस्तों अपना जीमेल के थ्रू, वो भी बहुत ही आसानी से दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब समय न लेते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों अगर ये आप बोया एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल की हो और दोस्तों आप चाहते हो कि इसे आप डिलीट कर दे अपना अकाउंट जो भी है अपना प्राइवेसी के लिए, इसे हटा दे और लिंक कर दे दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज मैं यही वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप ये एप्लीकेशन में लॉगिन किए हैं जीमेल के थ्रू तो दोस्तों ये बहुत ही आसानी से दोस्तों आप इसे डिलीट कर पाओगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप अपने मोबाइल का सेटिंग खोल लीजिए, आप देख सकते हो मैं यहाँ पर खोल लिया हूँ। और दोस्तों नीचे की ओर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन आएगा गूगल का, तो दोस्तों आपको गूगल पर क्लिक करना है। और ये रहा दोस्तों मेरा अकाउंट, ये वाला जो दोस्तों मैंने उसे बोया एप्लीकेशन से लिंक किया हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करना है अकाउंट सर्विसेज पर, आप देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों वहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इतना सारा यहाँ पर ऑप्शन आता है, आप देख सकते हो, कनेक्टेड ऐप्स, गूगल कॉन्टैक्ट, साइंस, गूगल फिट, गूगल पे, इंस्टेंट प्ले गेम्स, सर्च असिस्टेंट एंड वॉइस। तो दोस्तों आपको नॉर्मली यहाँ पर कनेक्टेड ऐप पर क्लिक करना है कुछ इस तरह से, आप देख सकते हो मैं कैसे यहाँ पर क्लिक कर। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये मेरा जीमेल से ये बोया यहाँ पर लिंक्ड है, आप देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आपको नॉर्मली उस पर क्लिक करना है बोया पर, और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों दिस ऐप कैन एसेस प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों यहाँ पर ये ऐप मेरा एसेस लिए हुए है मेरा प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन का। तो दोस्तों मैं यहाँ पर दिखला देता हूँ आपको बोया एप्लीकेशन ओपन कर, आप देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों मेरा बोया ओपन हो चुका है। कन्फर्म करते हैं कुछ भी करके दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नॉर्मली यहाँ प्रोफाइल पर क्लिक करना है और आप यहां पर देख सकते हो दोस्तों यहां पर मेरा यहां पर यूज़र आईडी भी बन चुका है और ये मेरा ऑटोमेटिक प्रोफाइल ले चुका है और यहां पर मेरा नेम भी आ चुका है ऑटोमेटिक दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर सिर्फ आपको लॉग आउट करने का ऑप्शन मिलता है दोस्तों इस एप्लीकेशन पर, यहां से आप डिलीट नहीं कर पाओगे दोस्तों, उसी के लिए मैं बता रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छा तरीका है दोस्तों, आपको नॉर्मली आपको सेटिंग खोलना है जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, और आपको यहाँ पर नॉर्मली क्लिक करना है डिसकनेक्ट पर। डू यू वॉन्ट टू डिसकनेक्ट दिस ऐप फ्रॉम गूगल? तो यहाँ पर दोस्तों डिस्कनेक्ट पर क्लिक कर देना कुछ इस तरह से। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक बार रिफ्रेश भी करके देख ले दोस्तों, यहाँ पर जो हम लोग कुछ देर पहले दोस्तों जो बोया एप्लीकेशन जो लिंक्ड था हम लोग का दोस्तों प्रोफाइल एसेस कर रहा था, अब यहाँ पर नहीं है दोस्तों, मैं यहाँ से उसे डिस्कनेक्ट कर चुका हूँ। अब तो चलिए दोस्तों मैं आपको एप्लीकेशन खोल कर वहाँ पर दिखला देता हूँ, वहाँ पर मेरा अभी तक नेम शो कर रहा है या नहीं कर रहा है और प्रोफाइल। यहाँ पर दोस्तों मैंने बोया खोल चुका हूँ, आप देख सकते हो। तो दोस्तों वहाँ पर जैसे ही हम लोग डिसकनेक्ट किए हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको नॉर्मली सेटिंग पर क्लिक करना है, आप देख सकते हो बोया एप्लीकेशन ओपन करके। और दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन है दोस्तों लॉग आउट का, आप इसे यहाँ पर लॉग आउट कर दे कुछ इस तरह से, आप देख सकते हो लॉग आउट ऑफ बोया। तो यहाँ पर कन्फर्म कर दे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपका बोया एप्लीकेशन से आपका जो लिंक्ड था जीमेल वो यहाँ पर दोस्तों अनलिंक्ड हो चुका है परमानेंटली। दोस्तों अगर आप लॉगिन भी करें तो आपका वहाँ पर फिर से दोस्तों पूरा सेटअप करना पड़ेगा आपको यहाँ। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों आप मुझे ज़रूर से ज़रूर दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और हाँ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।